अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ मोहम्मद फ़ारूक और मेरे साथ अमजद भाई है जो कि एग्रोनॉमी के स्टूडेंट है। ये आज हमें सैंपल के कलेक्शन के बारे में बताएंगे कि सोयल का सैंपल किस तरह कलेक्ट करते हैं। जी अमजद भाई, बताएं कैसे सैंपल कलेक्ट करते हैं सोयल में। अस्सलामुअलैकुम, एज एग्रोनॉमी सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि सैंपल कलेक्ट कैसे करते हैं। अभी हम फील्ड में खड़े हैं तो हमने सैंपल लेना है। हमारे पास जितनी फील्ड होगी सबसे पहले हम एक कॉर्नर से उसका सैंपल लेंगे, बिल्कुल कॉर्नर से नहीं, थोड़ी प्लेस छोड़ के, फिर दूसरे कॉर्नर से लेंगे, फिर तीसरे से, फिर चौथे कॉर्नर से, और लास्ट पे हमने उसके सेंटर में से एक सैंपल लेना होता है। फिर जब हमने सैंपल कलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद हमने उस सारे सैंपल जो भी हमने कलेक्ट किए हैं उनको मिक्स करके हमने एक कंपोस्ट एक सैंपल बना लेना है। फिर हमने उसको जो है लेबॉरेटरी में टेस्ट के लिए भेज देना। ये है हमारा सैंपलिंग का प्रोसीजर, इस तरह हम सैंपलिंग करते हैं। और हाजी भाई इधर सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं सॉइल टेस्ट के लिए। जी ये मैं कनोला पे एक्सपेरिमेंट लगाने जा रहा हूँ इस फील्ड में, तो इसके लिए मैं सॉइल का टेस्ट करवाना चाह रहा हूँ और ये देखना चाह रहा हूँ कि इस सॉइल में न्यूट्रिएंट का स्टेटस क्या है, और फिर उस हिसाब से मैं इस पे ऑर्गेनिक मैटर अप्लाई करूँगा जो इसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा कनोला की जो नेक्स्ट फसल मैं लगाने जा रहा हूँ उसको। और इसी लिहाज से मैं जो दूसरे फर्टिलाइज़र हैं, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, जिंक है, जो भी हैं, तो वो भी मुझे पता चल जाएगा रिपोर्ट से कि इस सॉइल में उनकी फीसद उनकी परसेंटेज कितनी है, और उस हिसाब से मैं नेक्स्ट यूज करूँगा। आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे हमारे आसफ़ भाई हैं जो कि एग्रोनॉमी के स्टूडेंट हैं, वो उनके साथ अमजद भाई और हाजी भाई हैं, ये वेट सॉइल का सैंपल ले रहे हैं जो कि इन्होंने लेबॉरेटरी में टेस्ट कर।